असला एवरीवन वेलकम टू माय चैनल आइडियाज एंड जीके विद दानिश जैसा कि आपको पता है कि ऑन द डिमांड ऑफ़ द स्टूडेंट्स वी हैव स्टार्टेड द न्यू सीरीज ऑफ़ मैथमेटिक्स जिसके अंदर हम टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं और उसके अंदर मुख्तु चीज़ों को एलोबरेटिव स्टाइल से आपको बताया जा रहा है कि जिसके अंदर मुख्तु टॉपिक्स को हम पिक करते हैं उस टॉपिक रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम द पास्ट पेपर्स आई होती हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम इन द रीसेंट जिन का आने का प्रोस्पेक्टिव चांस होता है या जो कम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स है मेरी कोशिश ये होती है कि वो करवाई जाए और इसके साथ साथ आप लोगों को नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मौजूद ही है किसी की फर्दर क्यूरी हो वो उस पर भी पूछ सकता है इसके अलावा कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्यूरी का इजहार कर सकता है सो पर्पज़ ऑफ़ स्टार्टिंग जिस सीरीज वॉज बेसिक पर्पस तो इस वक्त जो है वो एम पी टी का जो एग्ज़ाम है वो है इसके अलावा आपको ये जो सीरीज़ है स्पेसिफिकली हेल्प करेगी इन in... ऑल ओवर द जो भी आपके सारे कम्पिटेटिव एग्जाम्स में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं और इसके अलावा स्पेसिफिकली सी एस एस का जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर है उसके अंदर जो एबिलिटी पोर्शन होता है फोर्टी मार्क्स का इफ़ यू ग्रैप दिस वीडियोज़ आपको उसमें हेल्प आउट काफ़ी होगा सो so, चलेंजी स्टार्ट करते हैं तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा परसेंटेज का टॉपिक है और उम्मीद है हाँ आप लोगों ने इससे पहले एवरेज एंड एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स देख लिए होंगे अगर आप लोगों ने नहीं देखे हुए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को जो इसका लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो जी स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द परसेंटेज दर्सेंटेज टू आस्क वो ये है कि जी एग्जामिनर पूछता है आपसे कि इफ़ ए नंबर इज इज टू ऑफ द रिजल्ट

जब भी आपको नंबर नहीं पता सो so मैथ्स का यह अफाकिया असूल है कि आपने उससे पहले उस नंबर को एक्स एज्यूम कर लेना x कर ले, जितने वेरिएबल्स अन हैं उन वेरिएबल्स को उसी हिसाब से कर ले तो ये मैंने हो रहा है आपको मैंने हाईलाइट भी कर रहा हूँ साथ साथ लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स ठीक है बिकॉज नंबर आपको नहीं पता बट अब स्टेटमेंट क्या है एंड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट जब भी आप डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन कर रहे हो तो यू हैव टू मैं दिस उसकी वजह यह है कि अगर आप ये मैंशन नहीं करेंगे तो एग्जामिनर को यह लगेगा दैट यू आर डूइंग समथिंग अपनी तरफ से सपोजिशन कर रहे हैं लेकिन जो भी सपोजिशन अपनी तरफ से आप कुछ कर सकते हैं मैथ्स के क्वेश्चन के अंदर वो जस्ट ये है कि आप सपोज कर सकते हैं समथिंग थिंग अन नौन को इसके अलावा अदर देन दैट कोई भी सपोजिशन आपको वर्ड प्रॉब्लम या कोई भी एक्सप्रेशन सॉल्व करते हुए आपको अलाउ नहीं होती सो so, इस वजह से फिर आपका जो क्वेश्चन है वो आगे स्टेप्स नहीं देखे जाएंगे और एग्जामिनर वहीं पर आपका क्वेश्चन गलत कर देगा तो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कि आप ये स्पेसिफिकली करें फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट या फ्रॉम द स्टेटमेंट या एज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन सो वो कहता है कि जी नंबर ऐड करें क्या करें जी ट्वेंटी रिजल्ट तो आता है, 102, तो number क्या है हमारे पास एक्स है

देन आपका एक्स प्लस ट्वेंटी को देन सिंप्लीफाई कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे एलसीएम का सिंपल मैथड है एलसीएम भी ले सकते हैं और अदर देन दैट सिंप्लीफिकेशन का एक मैथड है कि आप सारी इक्वेशन को डिनोमिनेटर में जो चीज है वो हंड्रेड है और आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो भी चीज आपका वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को आपने एलिमिनेट करना है इक्वेशन के साथ अगर कोई चीज ऐड हो रही है तो वो आपने इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके ऑब्वियसली वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो उसको जो भी वेरिएबल uh, है उसके साथ जो भी चीज हो रही है समेशन हो रही है सब्ट्रैक्शन हो रही है आपने सबसे पहले वाइज सॉल्विंग द क्वेश्चन ये करना है उसको सिंप्लीफाई करना है सो दैट यू कैन फाइंड आउट द रिक्वायर्ड नंबर बिकॉज हेयर वी आर सपोज टू फाइंड एक्स प्लस ट्वेंटी सो हंड्रेड एल्सीम ले लें तो हंड्रेड एल्सीियम आएगा या आप दोनों साइड ऑफ इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लें इट्स अप टू यू क्वेश्चन का लेकिन एल्सीयम वाला मेथड जो है रिलेटिवली इजी है और स्टूडेंट्स को इजीली समझ आ जाता है तो आई हैव दैट सो आपने क्या किया आपने एल्सीयम लिया एंड देन आपको पता है कि एल्सीयम के बाद जब आपने सिंपलीफाई करना होता है तो क्या होता है कि द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन जैसे एक्स के नीचे इस टाइम पे वन है वो डिवाइड होगा एल्एम से एंड द आंसर विल बी मल्टीप्लाइड विद द विद्यूमिनेटर कि आपने उसे डिवाइड करना है और उसके बाद जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके न्योमिनेटर से अब एक्स ओवर वन तो हंड्रेड एक्स का डिनोमिनेटर क्या था वन था तो वन जब डिवाइड हुआ हंड्रेड डिवाइड हुआ वन पे तो आंसर विल बी हंड्रेड तो हंड्रेड मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स से तो ये बन गया हमारे पास हंड्रेड एक्स एंड लाइक वाइज हंड्रेड

इंस्पेक्शन हो तो उस पे आता है तो एल पे वीडियो इज इन द पाइप और वो आपको एक दो दिन में वीडियो वो भी मिल जाएगी कि हाउ टू कैलकुलेट द एल तो उसमें मुख्तलिफ जो एल सी एम कम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ द एल सी एम होंगे वो मेरी कोशिश होगी कि जो टफ टफ से होमवर्क किया जाए और उसमें मैंने दोनों मेथड्स करवाऊंगा आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी करवा दूंगा एंड अदर देन दैट जो आपका सिंपल कॉमन मल्टीपल मेथड होता है जो सिंपल मेथड होता है कि आप जस्ट टेबल पढ़ते हैं और उस पर देख लेते हैं वेयर द टेबल्स आर अप्रोचिंग ईच अदर तो आप वहाँ पर उसका एल्सियम ले लेते हैं बिकॉज एल्सियम इज बेसिकली लीस्ट कॉमन मल्टीपल सो उस पर द पाइपलाइन तो आपको एक दो दिन में मिल जाएगी अब आपका इक्वेशन सिम्प्लीफाई होकर बन गई है हंड्रेड एक्स प्लस ट्वेंटी एक्स ओवर हंड्रेड इज इक्वल टू वन जीरो टू अब आपने क्या करना है अब यू हैव टू एलिमिनेट मैंने आपको बताया कि आपने हमेशा सबसे पहले यहाँ पे जो भी फ्रैक्शन है जो आपको अनना उन्ना है उसकी तरफ जो भी चीज़ है जो भी कॉन्स्टेंट है जो नंबर है आपने सबसे पहले उसको रिमूव करना है अब हंड्रेड इज डिवाइड हो रहा है यहाँ पर ठीक है आप क्या करेंगे अगर बोथ साइड ऑफ इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूँ हंड्रेड से तो हंड्रेड विल बी कैंसल्ड आउट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ये नीचे स्टेप में मेंशन में है मेंंड कैंसिल आउट हो जाएंगे और हंड्रेड दूसरी साइड ऑफ द इक्वेशन पे देश मल्टीप्लाई होगा तो जब वो वन जीरो ना वो हंड्रेड एक्स प्लस ट्वेंटी एक्स जब एड ऑन हुए तो क्या आंसर आ जाएगा वन ट्वेंटी एक्स बिकॉज वेरिएबल सेम है एक्स और वाई अगर होते डिफरेंट होते तो डेफिनेटली आप इसमें एड नहीं हो सकते थे लेकिन यहाँ पर हंड्रेड एंड एक्स जो है वो हंड्रेड एक्स एंड ट्वेंटी एक्स दोनों जो है वो कॉमन uh, है तो आपने क्या किया इन दोनों को ऐड ऑन कर दिया जब आपने ऐड ऑन किया तो हंड्रेड प्लस ट्वेंटी है तो X के साथ जो fraction है उसको मैंने आपको start में बताया कि आपने इसको एलिमिनेट करना है तो जो आपका uh, 120 है तो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड सो आपने क्या करना है कि वन ट्वेंटी से दोनों साइड ऑफ इक्वेशन को डिवाइड कर लेना है तो so, अब आपने जब इसको 120, दूसरी साइड ऑफ़ द इक्वेशन चला गया तो आपने जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हंड्रेड ओवर वन ट्वेंटी आपको पता है कि सिंप्लीफाई करके इट्स फाइव ओवर सिक्स सो जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो वन जीरो 6, 6, कर सकते हैं

लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप इसमें क्योंकि इक्वल होनी चाहिए तो आपने 85 जब पुट ऑन करेंगे तो ऑब्वियसली जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो 102 इज इक्वल टू 102 दो आ जाएंगी तो हमारे पास जो आंसर था 85 इट विल बी सेटिस्फाइड ये हमारा जो है वैलिडेट हो जाएगा तो आपने जब भी डिस्क्रिप्टिव पेपर करना है तो ये मैं अगेन आपको बात बता रहा हूं या आपको अगर कंफ्यूजन है देखें दो तरह का स्टूडेंट होता है एक ही होता है जिसको अपनी कैलकुलेशन पे प्रॉब्लम नहीं होती उस स्टूडेंट के लिए ये स्टेप नहीं है वो अगर अपनी कैलकुलेशन पे मेक श्योर sure है लेकिन अभी अगर ओवर कॉन्फिडेंस भी मरवा देता है तो उसके लिए ये फिलहाल नहीं है जब उसकी प्रैक्टिस डेवलप हो जाए लेकिन जो स्टूडेंट अभी बिल्कुल बिगिनर है जिसको समझ नहीं आता कि मैथ्स का क्वेश्चन क्रैकडाउन कैसे करना है क्या करना है तो जब उसने अपने आंसर निकाल लिया एक्सप्रेशन में चाहे वो परसेंटेज का टॉपिक कर रहा है एवरेज का कर रहा है एज रिलेटेड

So, मेरे पास जो आंसर आना चाहिए, वो 190 आना चाहिए चाहिए so, आपने इसको स्टेटमेंट को कुछ नहीं किया स्टेटमेंट को इजी लफ्जों में तोड़ लिया है जिसको आप हिंदी में शब्द भी कहते हैं आसान शब्दों में आपने तोड़ के इसको क्रैक डाउन कर लिया कि माइनस ट्वेंटी अब आप इसको फर्दर स्टॉड कर देंगे हंड्रेड मतलब कितना पार्ट है वो हंड्रेड में से पार्ट ऑफ दंड्रेड तो फोर्टी ओवर हंड्रेड हो गया

अब इसके बाद आपने क्या किया फोर टेन एक्स माइनस है साइड इट विल अगर एक स्टेप आप uh, करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं भाई तो आप ये भी कर सकते हो ठीक है इट्स फॉर द डिस्क्रिप्टिव आपको ये चाहिए बट आप एक ए, 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 इस तरह का एक अगर स्टेप अगर आप स्किप भी कर दो तो एग्जामिनर बुरा नहीं मानता माइनस वन थर्टी है तो आप यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि इक्वेशन के दोनों साइड पे वन थर्टी एड करें जब आप वन थर्टी दोनों साइड पे ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्योंकि माइनस एंड प्लस दोनों सेम क्वांटिटीज होंगी दिस विल बी कैंसल्ड आउट लेकिन वन थर्टी दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा तो फोर ओवर टेन एक्स क्या हो गया वन नाइनटी प्लस वन थर्टी सो नाउ फोर ओवर टेन एक्स विल्वेंटी तो ये सिंपल स्टेप्स हैं आपने यहाँ पर साइड साइड ऑफ इक्वेशन पे पे किया राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे कैंसिल आउट हो गया राइट right साइड पे जाके वो एड हो गया और थ्री ट्वेंटी आ गया अब मैंने आपको सिंपल सी बात बताई है कि आपने सिर्फ एक काम करना है कि आपने फाइंड क्योंकि एक्स करना है ना तो आपने क्या करना है कि जो एक्स के साथ चीजें हैं फोर ओवर टेन यू नीड टू एलिमिनेट दिस अगर आप इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे इज मल्टीप्लाई तो कर लें तो टेन यहाँ पेट हो जाएगा और दूसरी साइड पर टेन जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा so 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 जबकि आपका थ्री ट्वेंटी जो है वो दूसरी साइड पर चला गया थ्री ट्वेंटी के साथ जब 10 हुआ तो ये आ गया तो नो ओवर योर इक्वेशन वी फोर एक्स इज इक्वल टू थ्री ट्वेंटी अब आपका जो आंसर है वो ये है कि ट्वेंटी अब आपने क्या करना है बोथ साइड्स को फोर से डिवाइड कर देना इक्वेशन की दोनों साइड्स को आपने फोर से डिवाइड कर देना है तो आपके पास क्या बन जाएगा फोर एक्स ओवर फोर इज इक्वल टू थ्री ट्वेंटी तो आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू एट हंड्रेड सो एट हंड्रेड इज रिक्वायर्ड नंबर जिसको अगर हम फाइंड आउट करें और इसका जो फोर्टी परसेंट होगा ठीक है 40% जो होगा वो ट्वेंटी तो कैलकुलेट कर सकते हैं तो थ्री ट्वेंटी 190. So, 190 तो आप वैलिडेशन भी आपकी साथ हो गई वैलिडेशन का मैंने स्टेप यहाँ पर इसलिए वीडियो में अलग से हेडर बना के नहीं लिखा अगर आप लोग कहेंगे तो जो बंदा मेरे से कॉन्टेक्ट करके पूछना चाहे कि सर ये वैलडेशन का स्टेप क्या होता है तो आई कैन फर्दर एक्सप्लेन इट बट यहां पर मैंने क्या अदरवाइज क्लेटरिंग बहुत हो जानी है और आप लोगों के लिए ग्रैप करना जो है चीजें बड़ी मुश्किल हो जाएगा सो द रिक्वायर्ड नंबर इज एट हंड्रेड नाउ अब हमारे पास ये दो क्वेश्चन हो गए ना थर्ड क्वेश्चन टू फाइंड द द प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी टैक्स ऑन ए ऑफ ऑफ वर्थ एट रेट अच्छा दो तरह की चीजें हैं एक क्वेश्चन थे जिनको हम अभी करते हुए आ रहे हैं जहां उसने वर्ड प्रॉब्लम दे दिया आपको सिनेरियो दे दिया और परसेंट की की आपकी परसेंटेज जो नॉलेज को अप्लाई करवा के आपसे चेक किया कि क्या यू आर एबल टू आप गेज कर सकते हो आप डिड्यूस कर सकते हो रिजल्ट को आप लॉजिक अप्लाई कर सकते हो वो दो क्वेश्चन हमने उस तरह के ऊपर देख लिया जहाँ पे उसने किसी एक नो uh, नंबर no की साथ कुछ सीनैरियोज कर दिया भाई अभी जो है के साथ ये काम करना है और इसके साथ ये करना है नाउ आप प्रॉपर्टी टैक्स आप फाइंड आउट करने जा रहे हो तो फाइंड द प्रॉपर्टी टैक्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ वर्थ रुपीज नाइन फोर्टी एट थाउजेंड एट द रेट ऑफ वन पॉइंट फाइव परसेंट सो आपके पास टोटल वैल्यू कितनी है परसेंट जब भी किसी वैल्यू से निकालना है ना तो जो परसेंट है उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है विद तो द टोटल वैल्यू जो टोटल वैल्यू जिसकी परसेंटेज आप निकालने जा रहे हो सो द प्रॉपर्टी की वर्थ कितनी है लाइक लाइक नाइन लाख फोर्टी एट थाउजेंड है और प्रॉपर्टी टैक्स चार्ज कितना होता है भाई वन पॉइंट फाइव परसेंट होता है सो so, अब हमने क्या करना है कि प्रॉपर्टी टैक्स की परसेंटेज उसने हमें दे दी है टोटल वर्थ इज तो यू नीड टू तो डू आप वैल्यू ऑफ़ प्रॉपर्टी टैक्स क्या होगा 1.5 ऑफ थाउजेंड तो 1.5 जब भी मैं परसेंट की बात करूंगा तो परसेंट क्या है इट्स द पार्ट ऑफ हंड्रेड 1.5 ओवर हंड्रेड इन टू नाइन लाख फोर्टी एट थाउजेंड जिस चीज़ की परसेंटेज निकालनी है जिसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी है वो चीज़ आपकी उसके साथ वो जो परसेंटेज का फैक्टर होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा अब परसेंटेज क्या होता है इट्स द पार्ट ऑफ हंड्रेड पार्ट ऑफ हंड्रेड है तो वन पॉइंट फाइव ओवर हंड्रेड इन टू नाइन लाख फोर्टी एट थाउजेंड सो दिस इज योर अप्रोच अब डेसिमल को अगर आपने रिमूव करना है तो जितने पॉइंट्स होते हैं एक जीरो ऐड हो जाएगा अगर यहाँ पे टू पे डेसिमल होता है, तो दो जीरो ऐड हो जाते तो आपने एक पॉइंट रिमूव करना है, तो एक जीरो नीचे आ जाएगा तो वन पॉइंट फाइव ओवर हंड्रेड को अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो वी कैन राइट इट फिफ्टी ना थाउजेंड जब डिवाइड होगा थाउजेंड पे तो ऑब्वियसलीट जो है वो आंसर बचेगा मल्टीप्लाई दीज 948 सो so, हमारे पास प्रॉपर्टी टैक्स की वैल्यू आगी फोर्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी तो कुछ भी नहीं करना जिस चीज़ की वैल्यू निकालनी है उसके साथ परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर देना और परसेंटेज का क्या तरीका परसेंटेज को आपने फ्रैक्शन फॉर्म में लेके जाना है परसेंट को आपने पॉइंट से फ्रैक्शन फॉर्म में लेके जाना यू कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई एज वेल आप अगर आप कर रहे हैं और आप इसको नहीं करना चाहते बिकॉज कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड ना तो आप सिंप्लीफाइड स्टेप्स जितना करोगे जितना होल नंबर में जाओगे उतना आपके लिए अच्छा होगा कि आप उस क्वेश्चन को गैप कर सकते हो अदरवाइज आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो वन पॉइंट फाइव और हंड्रेड इंटू नाइन लाइफ फोर्टी एट थाउजेंड है तो आप बेशक यहाँ पे डेसिमल रिमूव ना करो इधर आपका नाइन नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड एटी टी रह जाना है और वन पॉइंट फाइव को नाइन थाउजेंड एंड फोर हंड्रेड एटी से मल्टीप्लाई कर लें उस तरह भी कर सकते हैं या फिफ्टीन इंटू नाइन फोर्टी एट कर लें एक ही बात है बिकॉज

टेक्स निकाल के दे दो ये बहुत ही मतलब मोस्ट बेसिक क्वेश्चन जो कि एग्जामिनर समझ रहा होगा कि स्टूडेंट को आना चाहिए और वो इस पे उसको टेस्ट कर सकता अच्छा अब अगला क्वेश्चन ये कि 6, 000, है कि व्हाट अमाउंट इंक्रीज बाय ट्वेंटी परसेंट इज रुपीज सिक्स थाउजेंड ठीक है एक अमाउंट है उसको अगर ट्वेंटी परसेंट इंक्रीज किया जाए उसी अमाउंट में उसकी ट्वेंटी परसेंट ऐड की जाए तो उसका आंसर क्या आना चाहिए सिक्स थाउजेंड तो आपने अमाउंट आपको पता है नहीं पता तो जब भी कोई चीज़ नहीं पता तो मैथ्स का फाकिया असूल याद रखें चाहे कोई भी आप टॉपिक करने जा रहे हो आप उस चीज़ को जितने नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जी या एक्स अगर एक वेरिएबल है तो आप एक्स एज्यूम कर लेते हो तो हे तो वेरिएबल एक ही है हमारे पास अमाउंट है सो so अमाउंट को हमने एक्स एज्यूम कर लिया एक्स रुपीज़ ठीक है अमाउंट कितनी है एक्स रुपीज़ है ना अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट आपने क्या करना है एक्स प्लस ट्वेंटी ओवर हंड्रेड एक्स इज इक्वल टू सिक्स थाउजेंड आपकी जो अमाउंट है वो ट्वेंटी परसेंट इंक्रीज हुई तो आंसर क्या आता है amount अगर इंक्रीज बाय ट्वेंटी परसेंट हुई तो आंसर हमारे पास क्या आता है सिक्स थाउजेंड तो आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया एक्स प्लस ट्वेंटी ओवर हंड्रेड एक्स इज इक्वल टू सिक्स थाउजेंड तो आपने फर्दर सिंपलीफाई करें ट्वेंटी ओवर हंड्रेड को सिंपलीफाई कर दिया तो देट इजन बिकॉज एक्स प्लस ट्वेंटी तो अब क्या हुआ किस प्लस टू हंड्रेड एक्स इक्वल टू सिक्स थाउजेंड ना आपने बोथ साइड ऑफ इक्वेशन को टेन से मल्टीप्लाई कर सिंपल तरीका है या आप एलसीएम भी ले सकते हो इट्स अप टू यू या आपके अपने ऊपर है एलसीएम भी लोगे तो डिनोमिनेटर में पूरा आ जाएगा ऊपर वही सम हो रहा होगा कुछ भी एक एक्स्ट्रा चीज नहीं होती लेकिन अगर आप टाइम बचाना चाह रहे हो डायरेक्टली इक्वेशन में एक ही चीज है ना डिनोमिनेटर में अगर यहाँ पे इसके नीचे भी डिनोमिनेटर तो फॉर इंस्टेंस ये होता एक्स और टू ठीक है हाफ ऑफ द नंबर प्लस ट्वेंटी परसेंट ऑफ़ दैट नंबर इज इक्वल टू सिक्स थाउजेंड तो आपका एक्स व टू होता तो फिर यू नीड टू टेक डाउल फिर आपको करना पड़ेगा अदरवाइज थोड़ी सी वो कम्प्लीकेटेड जाती है बट यहाँ पर ईजी है एक्स प्लस टू और टेन एक्स इज ईक्ल टू सिक्स थाउजेंड आपके पास सिम्प्लीफाइड इक्वेशन है सो वट यू नीड टू डू आपने क्या करना है आपने मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन को टेन से मल्टीप्लाई कर देना है एंड डेट आपके पास सिम्प्लीफाई करके ये आंसर आ जाएगा टेन एक्स प्लस टू एक्स इज इक्वल टू सिक्सटी थाउजेंड अब नाउ ट्वैक्ट सिक्सटी थाउजेंड तो ट्वेल्व हमें पता है कि सिक्सटी बाई 5 तो फाइव थाउजेंड हमारे पास नंबर होगा और फाइव थाउजेंड में अगर मैं ट्वेंटी परसेंट ऑफ 5,000 थाउजेंड करूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है सिक्स थाउजेंड क्योंकि ट्वेंटी परसेंट क्या होगा कॉमन सेंस है अगर किसी की कैलकुलेशन तेज है अदरवाइज आप आराम से कैलकुलेट भी कर सकते हैं वैलिडेशन के लिए ट्वेंटी ओवर हंड्रेड इंटू फाइव थाउजेंड हंड्रेड जो है वो कट आउट हो जाएगा फाइव थाउजेंड का फिफ्टी आ जाएगा तो ट्वेंटी तो क्या है 1000 है तो हमारे पास इक्वेशन कहती है कि नंबर इज 5000 एंड 20% ऑफ दैट नंबर इज एडेड ठीक है 20% ऑफ दैट नंबर इज एडेड तो इट इज इक्वल टू 6000 सो so, हमारे पास इक्वेशन इस तरह से वैलिडेट हो जाएगी सो so, आपको क्या करना होता है आपको सिनेरियो समझना है सिनेरियो को समझ के प्रॉपर्ली उसी तरह से अप्लाई कर लेना और ये मतलब इट्स नॉट लाइक कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो बहुत अचंभे की चीज है और मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि जो स्पेसिफिकली सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं वो बजाय मैथ्स से घबराने के मैथ से परेशान होने के वट दे नीड टू डू जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम अप्रोच करते हैं कोई रिसर्च क्वेश्चन होता है उनका या कोई भी चीज होती है जिस तरह उसमें उनको देर इज क्वेश्चन होता है ना क्वेश्चन को फिर आंसर होता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट के वेरिएबल्स नोट डाउन करते हैं स्ट्राइक वाइज आपने वर्ड प्रॉब्लम में जो भी मैथ्स का क्वेश्चन होगा वहां पर आपने एक दो जगह है जहाँ पे फार्मूलास की जरूरत है अदरवाइज देन आपको तो सिंपल क्या करना होता है आपको जो सिचुएशन है प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड करना है अंडरस्टैंड करके आपने सिंपल इस आपने उस स्टेटमेंट को अप्लाई करना है और अप्लाई करके आपने उसका आंसर दे देना देन uh, अगला है जी एन आइटम इज बॉट फॉर ₹42 एंड सोल्ड इट फॉर ₹52.50 एन आइटम है जो बॉट हुआ जी रुपीजो उसकी कॉस्ट प्राइस थी और उसको तो तो क्या करना है आपको बेसिकली अच्छा जब भी इंक्रीज परसेंटेज निकालनी है ना तब भी आपने ओरिजिनल वैल्यू पे जो इंक्रीज नंबर है उसको डिवाइड करके इंटू हंड्रेड करना है ठीक है डिफरेंस को डिफरेंस निकालाइडेड बाई ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड ठीक है और अगर आपका डिक्रीज है तब भी आपने जो डिफरेंस है उसको ओरिजिनल पे डिवाइड करके हंड्रेड बिकॉज द रेफरेंस पॉइंट हमारा क्या है आप इंक्रीज किससे निकाल रहे हो ठीक है आप इंक्रीज तो निकालो ना इस चीज की वैल्यू इतनी थी और अब इसकी वैल्यू इतनी हो गई है ठीक है सो आपने उसको उस वजह से ही आपने उस तरीके से ही करना है तो आइटम क्या है जी बॉट होता है जी फोर्टी टू रुपीज पे और सोल्ड होता है फिफ्टी टू पॉइंट फाइव जीरो पे कैलकुलेट क्या करना है आपने परसेंटेज इंक्रीज तो ओरिजिनल प्राइस क्या है फोर्टी टू है

विल बी आउट और आपने फिर फोर्टी टू को सिम्पलीफाई करें तो सेवन जीरो फाइव आगे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास सिंप्लीफाई करके जो परसेंटेज इंक्रीज है 25%. तो ये जो सिंप्लीफिकेशन है ना यहाँ पर इसके लिए जो स्टूडेंट जिनकी बेसिक कमज़ोर होती है उनको इसका सिर्फ एक ही हल है वो यहाँ पर एरर कर देते हैं कॉन्सेप्ट तक समझ जाते हैं यहाँ पर एरर कर देते हैं तो यहाँ पे सिंपल इज दैट उनको सिर्फ यहाँ पर प्रैक्टिस ही उनको ठीक करवा सकती है उसके अलावा किसी भी टीचर के पास कोई ऐसा नुस्ख़ा नहीं है कि वो आपका ये प्रॉब्लम विदाउट प्रैक्टिस सॉल्व करवा सके आपको कॉन्सेप्ट दिया जा सकता है कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो के थ्रू भी मिल गया है आप खुद प्रैक्टिस करें आपको तब समझ उन आ जाएगा आप कहीं से पढ़ना चाहते हैं कहीं से पढ़ लें मगर उसके बाद जब आपने उसको अप्लाई करना है प्रैक्टिस तो ये जो स्टेप्स है ना यहाँ पर अगर, अगर आपकी गलती होती है तो ये सिर्फ आपकी लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से गलती है ऊपर जो अगर आपकी गलती हो रही है ना कि आपसे स्टेटमेंट डाइसेक्ट नहीं हो रही तो वो फिर आपके कॉन्सेप्ट की गलती है लेकिन कॉन्सेप्ट से नीचे ये जो आखिरी आपके स्टेप्स हैं जो सिम्प्लीफिकेशन के स्टेप्स हैं यहाँ पर अगर, अगर, अगर आपकी गलती होती है तो डेफिनेटली सिर्फ आपकी लैक ऑफ प्रैक्टिस है और या आपका एग्जाम प्रेशर ले लिया आपने और आप जो है घबरा के आपने क्वेश्चन जो है अपना गलत कर दिया सो हमने पांच क्वेश्चन कर लिए हैं नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड दिक्स क्वेश्चन ठीक है अब क्वेश्चन में वो क्या कहता है कि जी उस्मान एट ट्वेंटी बनाना ठीक है उस्मान क्या करता है ट्वेंटी परसेंट उसके पास फ्रूट्स की एक लॉट मौजूद है उसमें से वो क्या करता है ट्वेंटी परसेंट बनाना खा लेता है और थर्टी परसेंट ऑफ द एप्पल्स खा लेता है ठीक है इफ़ देयर वर फोर्टी बनाना टोटल बनाना कितने फोर्टी हैं एंड एप्पल्स कितने ट्वेंटी हाउ मैनी डिड ही ईट ठीक है उस्मान ने क्या किया टोटल बनाना हमें अभी अगर नहीं पता तो हम ये कह सकते थे कि अगर बनाना ना होते और एक्सप्रेशन में कहता तो हम बनाना एक्स ले लेते वाई ले लेते बट उसने बनाना भी बता दिया और एप्पल्स भी बता दिए अब वो हमें क्या कह रहा है कि हाउ मेनी फ्रूट्स टोटल फ्रूट थी डिड ही ईट ट्वेंटी परसेंट उस्मान क्या खा रहा है बनाना थर्टी परसेंट खा है तो टोटल नंबर ऑफ बनाना कितने हैं फोर्टी तो अब हमने नंबर ऑफ बनाना उस्मान निकाले हैं तो हमें क्या पता ये पता है ना ट्वेंटी परसेंट निकाला

तो so, so, अब आपका क्या है कि जो उस्मान ने जो हैं, वो हैं, और बनाना ईट किए हैं के अगर उसने ये पूछा अगर उसने यहां तक पूछा होता तो मेरा आंसर होता है एट एंड सिक्स रिस्पेक्टिवली लेकिन वो ये नहीं हाउ मेनी टोटल ईट तो आपने क्या करना है नंबर ऑफ बनाना जो उस्मान ने ईट किए है वो eight है, number of apples एट हैं नंबर ऑफ एप्पल जो ईट किए हैं वो सिक्स हैं आपने इन दोनों को सिर्फ एड ऑन कर लेना है तो जब मैं इनको ऐड करूंगा तो मेरे पास टोटल फ्रूट्स ईटन बाय उस्मान वुड बी टोटल फ्रूट्स so, कितने उस्मान ने खाए फोटी तो ये हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा तो आपको वो किसी भी तरह से घुमा सकता है कभी आपको अननोन में एक नंबर के परसेंटेज में घुमा सकता है कभी वो कोई एक प्रॉपर्टी टैक्स में एक सिंपल सिचुएशन दे सकता है कभी उसने दो क्वान्टिटीज दी हुई है दोनों की परसेंटेज निकालने को बोल सकते हैं जैसे उसने इस क्वेश्चन में उस्मान के रेफरेंस से बात की वो करके एंड देन फिर वो कह सकता है कि टोटल फ्रूट्स कितने उसने ईट किए हैं

वो क्या है कि 75% परसेंट ऑफ द नंबर में अगर नंबर ऐड किया जाए तो आंसर क्या आता है नंबर तो आप 75, 75 तो तो सिंपल सिंप्लीफाई तो करें तो आप सिंप्लीफिकेशन का तरीका क्या होता है कि आपने छोटे से टेबल से स्टार्ट करना होता है ना, आप फिर उसके बाद बड़े टेबल पर आहिस्ता आहिस्ता जा रहे होते हो तो आपने सिंपलीफाई किया और इसका आंसर आ जाएगा थ्री ओवर फोर थ्री ओवर फोर सेवेंटी फाइव थ्री जयंटी फाइव ट्वेंटी फाइव फोर हंड थ्री ओर फोर एक्स प्लस टू थ्री ओवर फोर एक्स प्लस सेवेंटी फाइव इज इक्वल टू क्या है आपका एक्स ठीक है अब नाओ आपने क्या करना है आपने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है सो थ्री ओवर फोर एक्स प्लस आपने बोथ साइड को डिनोमिनेटर में क्या चीज़ है जो एनॉमली है वो फोर है तो वो साइड ऑफ इक्वेशन को आप डिवाइड करें मल्टीप्लाई कर दें फोर से तो थ्री ओवर फोर एक्स प्लस ये फोर साइड जो फोर से मल्टीप्लाई होगी और दूसरी साइड पे फोर मल्टीप्लाई होकर फोर एक्स हो जाएगा तो अब आपने क्या करना है फोर से जब मल्टीप्लाई होगा तो फोर इंटू थ्री ओवर फोर फोर विल फोर थ्री एक्स प्लस एक्स थ्री हंड्रेड क्या है फोर एक्स माइनस थ्री एक्स इज टू थ्री तो एक्स क्या तो है जी थ्री हंड्रेड तो नंबर क्या आ गया थ्री हंड्रेड आ गया ठीक है आपने बहुत साइड ऑफ इक्वेशन को फोर्स से मल्टीप्लाई किया ये आपके पास आ गया

मैथ्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ है ना कि जब आपके पास इक्वेशन डेवलप करते हो इक्वेशन या एक्सप्रेशन डेवलप करते हो आप खुद से अपना आंसर एंड में चेक कर सकते हो कि क्या मैंने आंसर सही कैलकुलेट किया या नहीं किया आप किसी और सब्जेक्ट में ये नहीं कर सकते ठीक है, है आप अगर सोशल साइंसिस में हो तो आपका एक एनालिसिस हो सकता है वो हो सकता है आपने पुट अप किया हो हो सकता है एग्जामिनर कहे नहीं दिस दिस नॉट द राइट व्यू बट मैथ्स के अंदर आपकी एक सोलूशन है एक क्वेश्चन है आपने वो किया ठीक है तो आपने उसके बाद क्या कर लिया कि आपने उसको फर्दर आपने सिंप्लीफाई करके एंड में आपने वैलिडेट किया वैलिडेट करके आपको पता चल गया भाई ये मेरे कंफर्म मार्क्स हैं मैं ये क्वेश्चन ठीक करके उठ चुका हूँ तो आपको श्योरिटी के साथ आप उठ के कह सकते हैं यार मेरे इतने क्वेश्चन ठीक है इतने गलत है आप एग्जाम सेंटर में बैठे हुए ही चेक कर सकते हो कि क्या मैंने आंसर सही कैलकुलेट किया है या नहीं किया सो दिस इज द एडवांटेज हियरिंग दर्ड प्रॉब्लम और जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड प्रॉब्लम होते हैं अच्छा जी अगला क्वेश्चन जी साजिद स्पेंड्स थर्टी परसेंट ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड आर्टिकल्स फोर्टी परसेंट ऑफ द रिमेनिंग ऑन कन्व एंड क्लॉजेज अच्छा अब इसमें थोड़ा ट्रिकी भी कर सकता है अभी यहाँ बंदा क्या है जी साजिद है वो क्या करता है जी थर्टी परसेंट इनकम अपनी स्पेंड करता है फूड आर्टिकल्स पे फोर्टी परसेंट करता है रिमेनिंग जो रह जाए उसमें की थर्टी परसेंट टोटल इनकम में से जो है वो करता है फूड आर्टिकल्स पे फोर्टी परसेंट जो इनकम है वो कन्वेंस एंड क्लॉजेज में करता है उसके बाद सेव करता है ऑफ द रिमेनिंग जो रिमेनिंग रह जाता है उसका कितना सेव करता है पूरा सेव नहीं करता उसका फिफ्टी परसेंट सेव करता है टोटल मंथली सैलरी क्या है जी उसकी एटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड है हाउ मच मनी डज ही सेव एवरी मंथ ठीक है अब उसमें उसने आपको तीन एंगल से टेस्ट किया है पहले आपको उसने सैलरी इतनी है उसमें से थर्टी परसेंट वो क्या करता है जी थर्टी परसेंट सिर्फ फूड आर्टिकल्स पे निकाल दे। तो आप क्या करोगे थर्टी परसेंट कैलकुलेट करोगे उसको आप माइनस कर दोगे टोटल मंथली इनकम में से आपके पास जो रिमेनिंग आ गया फिर वो कहता है कि यार रिमेनिंग में वो क्या करता है कि जी रिमेनिंग फोर्टी परसेंट है उसको कन्वेस एंड क्लोदेस पे वो लगा देता है तो जो रिमेनिंग है उसका फोर्टी निकालोगे जो आंसर आएगा उसको अगेन आप जो पहले फर्स्ट स्टेप के बाद रिमेनिंग आया तो उसमें से माइनस करोगे एंड देन एक और रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी उस रिमेनिंग अमाउंट का वो सारा सेव नहीं करता उसमें से भी कुछ के एक्सपेंसिस होंगे ऐसी बात है हर बंदे के होते हैं जो है आपके प्लान चार्ज प्लान नहीं होते हैं उसको मिसकिलियस एक्सपेंसिस कहते हैं तो उसका जो रिमेनिंग एक्सपेंस है उसका वो कितने परसेंट सेव करता है रिमेनिंग अमाउंट का फिफ्टी परसेंट सेव करता है तो अब उसकी साजिद की मंथली इनकम क्या है एटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज फूड आर्टिकल्स पे कितनी स्पेंडिंग है जी थर्टी परसेंट है तो एटी ओवर हंड्रेड इंटू एटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड तो हंड्रेड से जब ये डिवाइड होगा एटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड तो हमारे पास वन एटी फोर आएगा अब थर्टी और वन एटी फोर को आप मल्टीप्लाई कर लें सिंपल मल्टीप्लीकेशन है आप इसको मल्टीप्लीकेशन कर लें तो इट विल बी फिफ्टी फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड

And saves 50 of the remaining. तो आपने ये जो कैलकुलेट करना था ना ये फिर रिमेनिंग से नहीं करना था ये आपने ओरिजिनल से ही करना था ठीक है ओरिजिनल का 40 परसेंट वो कर रहा है लेकिन यहां पर सिर्फ एक वर्ड से इतनी ट्रिक आ गई है कि अब आपने रिमेनिंग पहले कैलकुलेट करना ठीक है फिर उसका फोर्टी निकालना है

और आपके पास रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी जो है 7728. तो बेसिकली उसने आपको थ्री स्टेप्स में यहाँ पे टेस्ट किया है नाउ वो कहता है कि सेविंग जो है स्टेटमेंट पे अगेन वापस जाते हैं सेविंग जो है वो क्या है वो फिफ्टी परसेंट ऑफ द रिमेनिंग है मतलब जो रिमेनिंग का बच जाएगा टू स्टेप्स के बाद उसका भी फिफ्टी परसेंट है मतलब टोटली नहीं है फिफ्टी परसेंट उसके मिस्किलेनियस चार्जेस हैं परसेंट अगेन बाय द डेफिनेशन इज दिन पार्ट ऑफ द हंड्रेड होगा तो फिफ्टी पार्ट ऑफ दंड्रेड मीन ओवर हंड्रेड इन टू सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आंसर आपका आएगा थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड सिक्सटी फोर अच्छा इस क्वेश्चन को इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आप ये कर सकते हो Uh, जो भी है आप लोगों में से लिख लें आप इस क्वेश्चन को ही आ, फर्दर कर दोबारा कर सकते हैं साधे स्पेंड्स थर्टी परसेंट ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड आर्टिकल्स ठीक है फोर्टी परसेंट ऑफ द इनकम ऑन कन्वेस एंड क्लॉथिज रिमेनिंग को आप यहाँ पे वर्ट को कट कर दें एंड सेव्स फिफ्टी ऑफ द रिमेनिंग ठीक है सो so, आपका ये करके जस्ट यहाँ से रिमेनिंग का वर्ड रिमूव होगा और आपको उसकी मंथली सैलरी भी यही होगी एटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड आपने मुझे आंसर बताना है कि कितना वो सेव करता है जस्ट यहाँ पे ये यह जो रिमेनिंग का वर्ड है ये आप रिमूव करके आपकी असाइनमेंट है सो जो जो ये सुन रहे हैं वो मेरा नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है वो आप जो है इसको मुझे सेंड कर सकते हैं और कल का भी रिस्पांस काफ़ी अच्छा था काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो एवरेज के क्वेश्चन सबमिट करवाए थे तो इसी तरह करते हैं और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा थैंक यू जी अल्लाह